प्रथम तहलका न्यूज। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसानों की हुंकार के चलते कुरुक्षेत्र में किसान, मजदूर, आढ़ती एकजुट होकर एक रैली का आयोजन करने वाले थे, लेकिन सरकार द्वारा कोरोना के चलते किसानों की रैली पर रोक लगा दी गई। बता दें कि तमाम हरियाणा के किसान, मजदूर व कमीशन एजेंट सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुरुक्षेत्र की तरफ जाने की तैयारी में थे और कुछ गाड़ियों में भरकर निकल भी पड़े थे, लेकिन प्रशासन द्वारा किसान रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहे किसानों और व्यापारियों को कुरुक्षेत्र कैथल सीमा पर ही रोक लिया गया। दुखी होने कारण किसानों ने रैली रखी इतनी बड़ी शांतिपूर्वक से, जबकि हम गुलाल कहे हजारों की तादाद में शांतिपूर्वक से इतनी बड़ी रैली के लिए निकले थे, प्रशासन ने उन्हें यहाँ बागल पॉइंट पर रोक लिया। तो हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करके बैठ गए बिल्कुल शांतिपूर्वक। ये सरकार किसानों से डर चुकी है, व्यापारियों से डर चुकी है, गरीबों से डर चुकी है और इनको नीचा दिखाना चाहती है। अपने सरकार के बलबूते पर प्रशासन के अधिकारियों को लगाकर हमें यहाँ रोका गया। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब जब तक नहीं जाने देंगे हम यहीं पर प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार की नारेबाजी करते रहेंगे खिलाफ, और ये सरकार किसान विरोधी है। तो क्या बीजेपी सरकार किसान विरोधी? अगर 15 मेंबर कमेटी है या पूरी मंडी का सहयोग वो सरकार के तीनों अध्यादेशों के खिलाफ है, जो सरकार ने मंडी के आढ़ती खत्म कर दिए, उनकी आढ़त को खत्म कर दिया, सरकार डायरेक्ट माल ले रही है, जो कि जैसे पहले माल बिकता था वैसे माल बिकना चाहिए हमारा, ये सरकार की नाकामी का कारण है, जो सरकार डर चुकी है। लेकिन ये सरकार सोचती है कि आढ़ती और मजदूरों का और किसानों का संबंध खत्म किया जाए, जो कि खत्म नहीं होगा, ये बना ही रहेगा, 50 वर्षों से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। अध्यादेश बिल्कुल सरासर गलत है। पहले माल जैसे बिकते थे सरकार, किसान, मजदूर, व्यापारी तीनों सुखी थे, आज क्यों रोड पे हैं? इस सिर्फ अध्यादेश के कारण सरकार को अनदेखी कर रही है, व्यापारियों की, किसानों की, सबकी अनदेखी कर रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो सरकार से मांग क्या है आपकी? हमारी सरकार से यही मांग है, जैसे पहले माल किसान व्यापारी काम करते थे वैसे ही करने दें, उसमें छेड़खानी ना करें। वहीं इस दौरान किसानों और व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद किसानों और व्यापारियों ने कुरुक्षेत्र और कैथल सीमा पर प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद किसानों ने शांतिप्रिय धरना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर प्रशासन से SDM शशि वसुंधरा और DSP किशोरी लाल ने सूझबूझ से काम लिया। राजीन हमारे साथ ही रहते हैं, ये आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं भाई हम चलो आगे नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्वक ये धरना दे रखा है, इन्होंने कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर एक बार भीड़ उग्र भी हुई थी, जाने की कोशिश कर रही थी, तो प्रशासन ने किस तरह हैंडल किया? नहीं, जहाँ मुँह इकट्ठा हुआ उसमें हर व्यक्ति बराबर नहीं है, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाने से हम किसी को रोक नहीं सकते, कि कोई ऐसा गलत किसी का पुलिस के प्रशासन के किसी के खिलाफ कोई नाराबाजी नहीं की है, ठीक है, ये अपना शांति प्रिय धरना दिया। हमने सभी यहाँ किसान भाइयों को अवगत करवाया है कि 11144 क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है, उसके अंतर्गत वहाँ पर 5 से ज़्यादा व्यक्तियों के इकट्ठे होने की अनुमति नहीं दी है, तो हमने इनको यही अवगत करवा कर यहीं पर ही अनुरोध करा है कि ये यहीं रुकें और आगे ना बढ़ें, उसका उन्होंने मान रखा है और वो शांतिपूर्वक से यहीं बैठे हैं। बात सिर्फ समझाने की है कि हम उनको समझाना यही चाह रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में ना लें और शांतिपूर्वक ढंग से अपना जो भी प्रदर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे सब डिवीजन में 2 नाके लगे हुए हैं जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को लगते हैं और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और जो भी मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, तो अभी स्थिति जो है सब कंट्रोल में। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर कुरुक्षेत्र के पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि कुरुक्षेत्र प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते रैली को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश भर से किसान पिपली पहुंचने के लिए घर से निकल पड़े और इस दौरान किसानों और व्यापारियों को प्रशासन द्वारा प्रदेश भर में जगह जगह पर रोका गया। प्रथम तहलका के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें, 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।